हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मेथोडोलॉजी के यूनिट नंबर 5 में लेक्चर नंबर 25 ले रहे हैं, जिसका टॉपिक है वन सैंपल एंड टू सैंपल टी टेस्ट। टी टेस्ट आर स्टैटिकली वे ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस व्हेन वी डू नॉट नो द पॉपुलेशन वेरिएंस, अवर सैंपल साइज इज स्मॉल एंड लेस देन 30। टी टेस्ट में यदि हम पॉपुलेशन वेरियंस पता नहीं है और सैंपल साइज लेस देन 30 है, उस कंडीशन में ज़्यादातर हम टी टेस्ट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले वन सैंपल टी टेस्ट, एक सैंपल है उसके लिए टी टेस्ट कैसे करते हैं। वी परफॉर्म ए वन सैंपल टी टेस्ट व्हेन वी वांट टू कंपेयर ए सैंपल मीन विद द पॉपुलेशन मीन। जब हम वन सैंपल टी टेस्ट करते हैं तो हम कंपेयर करते हैं सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से। द डिफरेंस फ्रॉम द जेड टेस्ट इज दैट, इसमें जो डिफरेंस होता है जेड टेस्ट में, वी डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन ऑन पॉपुलेशन वेरियंस हियर। यहाँ पे हमें वेरियंस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। वी यूज द स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इंस्टेड ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इन दिस केस, और हम केवल सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं बजाय पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन। फॉर्मूला है टी इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन अंडर रूट एन। यहाँ पे एक्स बार है सैंपल मीन, म्यू है पॉपुलेशन मीन, एस है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन और एन है सैंपल साइज, जिससे हम टी की वैल्यू निकालेंगे वन सैंपल टी टेस्ट। एग्जांपल ले रहे हैं अंडरस्टैंड करने के लिए वन सैंपल टी टेस्ट को। लेट अस से वी वांट टू डिटरमाइन, सपोज हमें जानना है इफ ऑन एवरेज गर्ल्स स्कोर मोर देन 600 इन द एग्जाम। जो गर्ल्स का एवरेज स्कोर है वो मोर देन 600 एग्जाम। वी डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गर्ल्स स्कोर, और हमें पता नहीं है कि जो वेरियंसेस कितना आ रहा है गर्ल्स के स्कोर में। टू ए परफॉर्म टी टेस्ट, तो इसके लिए परफॉर्म करने के लिए वी रैंडमली कलेक्ट द डेटा ऑफ 10 गर्ल्स विद देयर मार्क्स। तो इसके लिए हम एक 10 गर्ल्स का डाटा रैंडमली कलेक्ट करते हैं मार्क्स का, एंड चूज अवर अल्फा वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल टू बी 0.05 फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और इसके लिए हम चूज करते हैं 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल को हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए। तो इसके लिए गर्ल्स का स्कोर इस तरह से दे रखा है इसमें 587, 602, 627, 610, 619, 622, 505, 608, 596 और 592। These are all scores that are done by the girls. In this example, mean score of the girls is 606.8. The size of the sample is 10. The population mean is 600. The standard deviation for the sample is 13.14. ये वन सैंपल की डिफरेंट चीज़ें हैं, यानी मीन है इसका, साइज है, पॉपुलेशन मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल है। ये सभी चीज़ें हमारे पास हैं, इनका यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, टी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स निकालेंगे, टी टेस्ट की वैल्यू निकालेंगे। ये वैल्यू यदि इसमें पुट करते हैं, एक्स बार सैंपल मीन 606.8 है, म्यू पॉपुलेशन मीन 600 है, अपॉन एस स्टैंडर्ड डेविएशन 13.14 है, और एन सैंपल साइज अब 10 में आ गया 1.64 आ जाएगा। अब नल हाइपोथेसिस क्या आती है हमारे पास, एच नॉट म्यू लेस देन इक्वल्स टू 600, और क्रिटिकल वैल्यू आ रही है 1.833। तो टी स्कोर लेस देन क्रिटिकल वैल्यू, टी टेस्ट स्कोर आ रहा है 1.64 और क्रिटिकल वैल्यू आ रही है 1.833, जो कि लेस है, इस मतलब पी वैल्यू 0.0674 आ रही है, तो पी वैल्यू ग्रेटर है 0.05। सो अवर पी वैल्यू ग्रेटर देन 0.05, दस बी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और डू नॉट हैव इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट ऑन एवरेज गर्ल्स स्कोर मोर देन 600 इन द एग्जाम। ये हो गया वन सैंपल टी टेस्ट के लिए। अब आते हैं टू सैंपल टी टेस्ट। वी परफॉर्म ए टू सैंपल टी टेस्ट व्हेन वी वांट टू कंपेयर द मीन ऑफ टू सैंपल्स। दो सैंपल्स के मीन को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है टू सैंपल टी टेस्ट का। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला इस तरह से होता है, टी इक्वल्स टू एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एस वन स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस एस टू स्क्वायर अपॉन एन टू। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं इसमें, डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन एक्स वन बार माइनस एक्स टू बार है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन म्यू वन माइनस म्यू टू है,
सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन S1 S2 हैं और सैंपल साइज N1 N2, ये सभी इसमें यूज़ किए गए हैं पैरामीटर, जिससे हमें टी टेस्ट का फॉर्मूला बनाया है 2 सैंपल्स के लिए। और इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम। हियर लेट अस से वी वांट टू डिटरमाइन इफ ऑन एवरेज बॉयज स्कोर 15 मार्क्स मोर देन गर्ल्स इन द एग्जाम। सपोज बॉयज का जो स्कोर है वो गर्ल्स के स्कोर से 15 मार्क्स मोर है एवरेजली। वी डू नॉट हैव द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वेरियंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गर्ल्स स्कोर और बॉयज स्कोर। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि बॉयज का और गर्ल्स का जो स्कोर आ रहा है उसमें वेरिएशन कितना है। टू परफॉर्म ए टी टेस्ट, तो टी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए वी रैंडमली कलेक्ट द डेटा ऑफ 10 गर्ल्स एंड बॉयज विद देयर मार्क्स। तो हम 10 गर्ल्स और 10 बॉयज का रैंडमली डेटा कलेक्ट करते हैं मार्क्स का। वी चूज अवर अल्फा वैल्यू सिग्निफिकेंस लेवल टू बी 0.05 और हम अपना सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 रखते हैं अल्फा वैल्यू का एज द क्राइटेरिया फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, क्योंकि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्राइटेरिया है। ये दिखाया गया इसमें गर्ल्स स्कोर दिए गए और बॉयज स्कोर दिए गए। इस एग्जाम्पल में मीन स्कोर ऑफ द बॉयज 630 पॉइंट बना रहा है और गर्ल्स का मीन स्कोर 606.8 आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन मीन्स कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर बॉयज स्कोर 13.42 और स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गर्ल्स स्कोर 13.14 के बाद। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें पता है, हम टी के फॉर्मूले में इन वैल्यू को पुट करेंगे और हमारे पास आ जाएगा टी इक्वल्स टू x1 bar - x2 bar - u1 - u2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ s1 square upon n1 plus s2 square upon n2। ऑल पुट ऑल द वैल्यूज वी गेट क्रिटिकल वैल्यू 1.833 और टी की वैल्यू क्या आ रही है, 2.23 आ रही है। पी वैल्यू क्या है, 0.09 है। तो क्रिटिकल वैल्यू ग्रेटर देन टी स्कोर शो पी वैल्यू लेस देन 0.05 शो एच नॉट इज रिजेक्टेड और H1 इज एक्सेप्टेड। दस पी वैल्यू इज लेस देन द 0.05 सो वी कैन रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट ऑन एवरेज बॉयज स्कोर 15 मार्क्स मोर देन गर्ल्स इन द एग्जाम। नाउ डिसाइडिंग बिटवीन जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट, हमने जेड टेस्ट भी पढ़ा है, टी टेस्ट भी पढ़ा है, तो हम क्या डिसाइड करते हैं दोनों टेस्ट से। शो व्हेन द व्हेन वी शुड परफॉर्म द जेड टेस्ट, व्हेन वी शुड परफॉर्म टी टेस्ट, इट ए की क्वेश्चन वी नीड टू आंसर इफ वी वांट टू मास्टर स्टैटिस्टिक्स। मास्टर स्टैटिस्टिक्स हमें लगानी है तो उसमें हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं की क्वेश्चन। सैंपल साइज मान लो ग्रेटर देन 30 है तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, जेड टेस्ट करेंगे और टी टेस्ट नहीं करेंगे। पॉपुलेशन वेरियंस अननोन है या नॉन है, यदि अननोन है तो टी टेस्ट करेंगे, अननोन है तो जेड टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से ये टी टेस्ट और जेड टेस्ट में डिफरेंस हो गया। इफ द सैंपल साइज लार्ज इनफ देन द जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट विल कंक्लूड विद द सेम रिजल्ट्स। फॉर ए लार्ज सैंपल साइज सैंपल वेरियंस विल बी बेटर एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरियंस। शो इवन इफ पॉपुलेशन वेरियंस इज अननोन वी यूज जेड टेस्ट यूजिंग सैंपल वेरियंस। Similarly, for large sample, we have the high degree of freedom, and since t distribution approaches the normal distribution, the difference between the z score and t score is negligible. We perform a two sample z test when we want to compare the mean of two samples. Z score equals to x1 bar minus x2 bar minus mu1 minus mu2 upon σ1 square upon n1 plus σ2 square upon n2 का स्क्वायर रूट। शो डिफरेंस बिटवीन सैंपल मीन x1 बार माइनस x2 बार है, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन μ1 माइनस μ2 है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन σ1 σ2 है और सैंपल साइज n1 n2। हियर एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड टू सैंपल जेड टेस्ट। टू सैंपल जेड टेस्ट का एग्जांपल लेते हैं। हियर लेट अस वी वांट टू नो गर्ल्स ऑन एवरेज स्कोर 10 मार्क्स मोर देन द बॉयज। We have information that standard deviation for girls score is 100 and boys score is 90. Then we collect the data of 20 girls and 20 boys by using random sample and record their marks. Finally, we also set up an alpha value to be 0.05 significance level. इस तरह से इसमें जो जो वैल्यूज दी गई हैं, मीन स्कोर फॉर गर्ल्स 640 है सैंपल मीन, मीन स्कोर फॉर बॉयज सैंपल मीन
613.3 है. स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द पॉपुलेशन फॉर गर्ल्स 100 है. स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द पॉपुलेशन ऑफ बॉयज 90 है. सैंपल साइज इज 40 फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज एंड डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ पॉपुलेशन इज 10. ये सब यूज करें तो हम इस तरह से जेड टेस्ट निकाल सकते हैं. तो इस तरह से आज हमने जेड टेस्ट के दोनों वन सैंपल और टू सैंपल जेड टेस्ट को कंपेयर किया और डी टेस्ट को भी हमने इसके साथ कंपेयर किया. तो कौन सा बेटर रहता है, कब कौन सा टेस्ट हमें यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में जाना. मेनली जनरली दो ही चीज़ें होती हैं कि हमें बड़े सैंपल्स के लिए जेड टेस्ट और छोटे सैंपल्स के लिए टी टेस्ट यूज़ करते हैं. इसके अलावा अपने वेरियंसेस देखने होता है. यदि आपको वेरियंसेस गिवन है तो जेड टेस्ट और नहीं गिवन है तो हम टी टेस्ट यूज़ करते हैं. इस तरह से ये लेक्चर कम्प्लीट होता है. थैंक्स ऑल ऑफ यू.